हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको मधुमक्खियों के बारे में 10 बातें बताऊंगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर वन, लगभग 500 ग्राम शहद बनाने के लिए मधुमक्खी को 90,000 मील यानी धरती के 3 बार चक्कर लगाने के बराबर उड़ना पड़ता है। नंबर दो, मधुमक्खियां 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती हैं। नंबर तीन, मधुमक्खियों की एक कॉलोनी में 50,000 से 60,000 मधुमक्खियां होती हैं जिनमें से एक रानी मधुमक्खी होती है। नंबर चार, शहद निकालने के लिए मधुमक्खी को एक बार में 50 से 100 फूलों पर मंडराकर रस निकालना होता है। नंबर पाँच, ये नृत्य के जरिए आपस में बातचीत करती हैं। नंबर छः, रानी मधुमक्खी की उम्र 5 साल तक होती है और यह एकमात्र मधुमक्खी है जो अंडे देती है। नंबर सात, एक छत्ते में मधुमक्खी कितने प्रकार के होते हैं। हर छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। एक मादा मक्खी होती है जिसे रानी भी कहते हैं, दूसरा नर मक्खी और तीसरा फल फूलों से रस चूसकर एकत्रित करने वाली श्रमिक मक्खियाँ होती हैं। पर्ण हो जाता है तो नर मक्खियाँ को काम करने वाली मक्खियाँ मार डालती हैं। दोस्तों नौवां सवाल ये उठता है कि मधुमक्खी कितने अंडे देती है। गर्मी के दिनों में एक रानी मधुमक्खी हर दिन 2500 अंडे देती है। दोस्तों आखिरी फैक्ट सुनने से पहले, अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। नंबर 10, पुरुष मक्खियों का आकार काम करने वाली मक्खियों से बड़ा होता है लेकिन इनके पास डंक नहीं होते हैं और ये काम भी नहीं करते हैं।